हेलो, सो द क्वेश्चन इज गिव एन एग्जाम्पल फॉर विच ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट बी बट ए इज नॉट इक्वल टू सी। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा ए वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी जीरो हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए और बी कुछ भी हो, सपोज डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो मतलब ए और बी के बीच में एंगल कितना रख सकते हैं हम लोग, 90 डिग्री। तो एक रैंडमली हम लोग मान लेते हैं कि जो ए वेक्टर है वो सपोज ए वेक्टर सपोज ईस्ट के अलोंग है और बी वेक्टर जो है वो नॉर्थ के अलोंग है। अब अगर हम यही बात करते हैं सी वेक्टर की, तो सी वेक्टर डॉट भी जीरो हो सकता है। अब सी की दो डायरेक्शन पॉसिबल है, अगर हम सी को राइट में लेते हैं या हम लेफ्ट में लेते हैं सी को। अब आप देखिए, अगर हम लेफ्ट में लेंगे तो भी एंगल 90 डिग्री आएगा, राइट में लेंगे तो भी एंगल 90 डिग्री आएगा। तो हमें ये बताना है यहाँ पर कि ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर ना हो। तो अगर हमने राइट में ले लिया तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे, इसलिए हम राइट में ना लेकर लेफ्ट में लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सी वेक्टर है वो किसके अलोंग है, वेस्ट के अलोंग है। तो अब की बार फिर क्या होगा, सी वेक्टर डॉट बी जीरो होगा क्योंकि सी और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मान लेते हैं रैंडम मैग्नीट्यूड है, तो ए वेक्टर का यानी कि पिछले वीडियोज में मैंने बताया था आपको कि डायरेक्शन के अलोंग आई कैप लिख सकते हो यहाँ पर। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं ए आई कैप है, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस ए आई कैप, और आप देख सकते हैं कि दोनों वेक्टर बराबर नहीं है, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू सी। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि ए डॉट बी भी जीरो है और सी डॉट बी भी जीरो है, पर ए और सी बराबर नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।